साजी हैं, साजी है ना कोई? हाँ सुबेर साजी। ओ पप्पूला पाइप भी है, मोटा वाला नहीं है, मोटा वाला। क्या क्या साजी हैं? साजी है ना कोई? हाँ सुबेर साजी। फायर ब्रिगेड सर ऊपर के रास्ते आ रही है, थोड़ा दिक्कत हो रही है, थोड़ा ना यहाँ पहुँचने में दिक्कत हो रही है। आ गई है लेकिन रास्ता नहीं, थोड़ा दिक्कत हो रही है ना। कर रहे हैं सर, प्रयास कर रहे हैं। हाँ हम लोग, हमारी टीम लगी उसाई। रहते हैं भयंकर, आगे भयंकर। फायर ब्रिगेड आ रही है, एक पहुँच गई है, एक और आ रही है ऊपर से, बताल से सायरन बज रहा है। ऊपर से कुछ गिरा उसमें, बुझ गई। अरे ऊपर से गाड़ी आ ही नहीं सकती ना, रास्ते नहीं है यार, नीचे था हम जैसे आए यहाँ। आप यहाँ पानी मिलेगा क्या? ओके ओके ओके, और कहिए चीड़ की लकड़ियां खुद नहीं आ रही है। तो ये अभी मैं घर से जैसे निकल रहा, पूरे ऊपर था धुआं ही धुआं, धूरी धुआं ही धुआं, और लाइट बंद हो गई। तभी आया मैं तो, लाइट बंद हो गई, समझ गया घर में लगी आप यार। संज्ञान में आया कि सुप्रसाद जी के मकान पे, जो कि अलामपुर होटल के पीछे अवस्थित है, यहाँ पर आग लग गई थी। सूचना मिलने पर हमारी फायर की टीम यहाँ पहुँच गई थी सबसे पहले, उसके बाद सिद्धू पटवारी, हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। क्योंकि यहाँ पर फायर हेडेंट नहीं थे तो इससे थोड़ा पानी की थोड़ा समस्या भी रही। यद्यपि हमने दस्तान को पहले पानी खोलने के लिए बोल दिया था, लेकिन वहाँ से पानी कुछ समय के बाद यहाँ पर अवेलेबल हो पाया है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे पानी यहाँ पर पर्याप्त रूप से आ चुका है, और मुझे लग रहा है कि आधे घंटे में हम लोग पूरी आग को बुझा लेंगे। कितना नुकसान का आकलन हो रहा है? देखिए इनके तीन कमरे जल गए हैं और सामान भी लगभग काफी बचा लिया गया, कुछ सामान जला हुआ है। अभी इसका पूरा ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है।